लोग का मुझे देख रहा है जिसके साइड में सब कलर कलर लगे लाल पीले हरे बनियान मेरे तरह दिख रहा है, तुम्हारे गाल में भी यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सुंदर ठीक है। लड़का बोला सर आप होली में आइए फिर होली खेलते हैं, बहुत बढ़िया। तो यूपी में होली होता है, खेले थे तुम लोग? नहीं होली खेली थी वहाँ हम लठ मार तो यहाँ पे मथुरा वगैरह में होली एक्चुअली दिल्ली में होता है एक घंटे की होली, और दूर से मारेगा बैलून आपको कलर दूर से। और बिहार में जो थर्सडे शुरू हुआ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को हम लोग क्या झूमता झूमता समझते हो, एक रस्सी में बांध के मटका और मटके को फोड़ते हैं लोग, और उसमें भी जबरदस्त मजा आता है। हाँ केला का रस उसका तो बिल्कुल वाला काम नहीं किया, किसी का मान लो कर दिया तो छुट्टा ही नहीं है कि नहीं। हाँ लगा होता है ना लगा हुआ है। खैर प्रीपोजिशंस जो पढ़ना हम लोगों को है वो है क्या, जानते हैं पहले क्यों इसका इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए प्रीपोजिशंस है क्या चीज, अब यहाँ देखो दो बड़े, एक बड़े प्री, ध्यान रखना इसमें दो सब होता है, प्री होता है और पोस्ट होता है। इसको पढ़ते प्री नहीं, प्री प्रीपेड सुना है, प्रीपेड और पोस्टपेड, प्रीपेड मोबाइल पोस्ट मोबाइल है ना। तो प्रीपेड पोस्टपेड होता क्या है, तो प्री का मतलब पहले और पोस्ट मतलब, जैसे मोबाइल आपका प्रीपेड है तो पैसा पहले मिलेगा और पोस्टपेड है तो पैसा, प्री मैच्योर पोस्ट मैच्योर, प्री मैच्योर हो गया मतलब आपको उम्र नहीं है मैच्योर का, आप मैच्योर हो गए पहले ही हो गए, और पोस्ट मैच्योर आदमी 10 साल तक क्लास वन में पढ़ रहा है, मैच्योर हुआ नहीं बाद में होगा। तो प्री स्टेट पोस्ट जो भी, प्री मतलब पहले और पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति स्थान, तो स्थान प्री भी हो सकता है और पहले भी। आप पता करते हैं जैसे एक प्रीपोजिशन, पोजीशन किसका दिखाएगा, तो हमने क्लाइंट कहा था जब आप पढ़ा होगा नाउन या प्रोनाउन, हमने कहा था इस दुनिया में सिर्फ नाउन ही बात करता है, दूसरा कुछ है ही नहीं, जैसे पेन नाउन है, टेबल नाउन है, ये प्रीपोजिशन कहीं नहीं है, सब जगह क्या है, तो सब जगह नाउन है। तो स्थिति या परिस्थिति किसकी होगी, नाउन की, और किसकी हो सकती है, स्थिति या परिस्थिति नाउन की ही तो हो सकती है ना, और किसकी होगी, यानी कि प्रीपोजिशन करता क्या है, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है उसे हम ना, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रश्न उठता है कि दो नाउन के बीच में आता है उसे कंजंक्शन भी कहते हैं, जोड़ने वाला, तो जो जोड़ेगा वो कंजंक्शन, जो स्थिति दिखाएगा वो प्रीपोजिशन। कैसे सर, जैसे हमने कहा मान लो टेबल पर, टेबल टेबल क्या है, अब पर क्या है, आराम से लो क्या है, पर प्रीपोजिशन की पोस्ट पोजिशन, यानी नाउन के बाद ना है, पहले कहां है, प्री होता तो नाउन से पहले होता पर टेबल, समझ पा रहे हो, तो हिंदी में होता है पोस्ट पोजिशन और अंग्रेजी में होता है प्री पोजिशन। जब इसका तुम अंग्रेजी बनाओगे तो यही पर आ जाएगा पहले, टेबल आ जाएगा बाद, ऑन टेबल या ऑन द टेबल, बस मेरा। इसीलिए जब भी आप प्रीपोजिशनल चीज पढ़ रहे हो तो आप हिंदी जब उसको निकालें तो पहले प्रीपोजिशन का निकालें बाद में नाउन का निकालें, द बुक ऑफ द टेबल, समझो ना, टेबल पर किताब, द बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब। तो इस तरह से जैसे मान लो लाइन लिखना हमको कि टेबल पर किताब, समझते ना आराम से, टेबल पर किताब है, देखिए किताब क्या है, टेबल क्या है, पर क्या है। अब अगर पर यहाँ पे ना रहता तो सेंटेंस क्या होता, टेबल ये गलत नहीं होता, रीजनिंग हो जाता, क्या होता रीजनिंग, तुमने रीजनिंग वहाँ पे सिलोजम पे हो गई, सभी किताब टेबल हैं, सभी टेबल किताब हैं, कुछ किताब टेबल नहीं है, कुछ किताब टेबल, बैंक में खूब पूछता है सर, सभी फूल हाथी हैं, कुछ हाथी फूल हैं, सभी बिल्डिंग किताब है, कुछ पूछता है, तो टेबल तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए रिलेशन को दिखाता है टेबल पर। अब पर है तो दो नाउन क्या करता, जोड़ है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि जब आप अंग्रेजी बनाते हो तो जब भी कोई प्रीपोजिशन हो तो हमेशा नाउन को क्रॉस करें, जैसे कि टेबल ऑन बुक, द बुक इज ऑन द टेबल, क्या लिखते हैं इसको, द बुक इज, तो किताब देखो आ गया पहले, टेबल आ गया बाद में, तो ऑन आया ना बीच में जोड़ने के लिए, समझ पा रहे हो। जब भी आप अंग्रेजी से हिंदी निकालें या हिंदी से लिखना हो आपको, यही अगर हिंदी लिखना हो तो आपको यहां से स्टार्ट करना है प्रीपोजिशन के बाद वाले से, यानी प्रीपोजिशन में पोस्ट, हिंदी में क्या होता है पोस्ट और अंग्रेजी में क्या होता है प्री, क्लियर। तो प्रीपोजिशन का डिफरेंस लिखाओ फिर आराम से, स्टार्ट करूं, समय क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि नाउन के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, बिना प्रीपोजिशन का आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। जैसे बोला दुर्घटना के बाद वह मर गया, घटना के बाद मर गया तो घटना हो गया नाउन, के बाद हो गया स्थिति, मरा कब, घटना के बाद, तो घटना हो गया नाउन के बाद तो पोस्ट पोजिशन, जब अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले आ जाएगा के बाद, फिर घटना, आफ्टर द एक्सीडेंट, आफ्टर द एक्सीडेंट, किसी दिक्कत है बोलो, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं फिर, हेडिंग बनाइए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज टू establish a relation between two nouns। अभी बहुत बच्चे घर से नहीं आए होंगे, सेमेस्टर preposition is a word which is used to establish a relation between two nouns। preposition वह noun है जो दो noun के बीच में relation को establish करता है। ठीक है, हम लिखा टेबल पर किताब है, इसको लिखते हो द बुक इज ऑन द टेबल या द बुक ऑन द, तो एक ही बात है, इसको चाहो तो मैसेज कर सकते हो, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो इस तरह से काम तुम सही है, ये भी सही है। और
देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. प्रे प्लस पोजीशन. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. ठीक है, उतार लिया. अब आगे लिखा हुआ है पोजीशन और प्रे पोजीशन, यानी प्रे पोजीशन का पोजीशन कहां होगा, जाना पड़ेगा ना. समझ पा रहे हो, प्रे पोजीशन का पोजीशन कहां होगा. एक एक पॉइंट लिखे, क्या लिखा जी, आपका पोजीशन ऑब्जेक्टिव कैसे यूज्ड. बोलो, प्रे पोजीशन के बाद सब्जेक्टिव कैसे आएगा, क्या हमेशा कौन सा कैसे आएगा, ये बात पहले पढ़ा चुका है. तो आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस यूज्ड. शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड मी, राम एंड आई, कौन सा होगा, लिख लो. आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केसेस यूज्ड, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. She has complained against Ram and me. She has complained against Ram and I. Both are. दूसरा गलत है, दूसरा सही. Rule number 2 कहता है, After preposition gerund is used. Preposition के बाद क्या प्रयोग किया जाता है, gerund का. Gerund मतलब ही, for. ठीक है, I abstain from smoking. On reaching home, he wrote me a letter. देख पा रहे हैं, from के बाद smoking का प्रयोग किया गया. On reaching, actually है क्या, noun ही है. है क्या, noun ही है. यानी आप एक line याद रखें कि अगर preposition use किया है तो आप ध्यान रखिए, या तो आएगा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, या फिर बिफोर आएगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ नहीं आएगा. तो ऊपर दो आएगा, नीचे दो, ये ध्यान रखना है, हमेशा पढ़ते रहना है. प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा. बहुत ही तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी खूबसूरत बैच है. ठीक है बालक, कहां तक लिख लिया. ऑन रीचिंग होम ही रोट मी अ लेटर, यानी प्री पोजीशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, सब्जेक्ट केस नहीं आएगा. बिफोर जेरंड आएगा, वी1 वी2 वी3 नहीं आएगा. इसका नोट दिया हूं कि प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, प्रीपोजिशन कहीं भी, सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी. प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी. बोलो, पकड़ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो. अब देखिए इसको सारा क्या समझ गया हमें, देखिए टाइप से ध्यान रखिएगा. यहां पे आई नहीं, ऑन, तो ऑन प्रीपोजिशन शुरुआत हो गया, नीचे करूं में. क्लास कूल है नहीं, मस्त, बाहर में गर्मी है ज़्यादा, मार्च में ही हो गया 35 डिग्री टेम्परेचर, अभी मई जून बाकी है. सारी गंदी का क्या लिखा, प्रीपोजिशन कहीं भी आ सकता है, कोई नियम नहीं है कि कहीं आएगा. एक शुरू हो सकता है, ऑन रीचिंग होम, बीच में आ सकता है, ही सैट ऑन द चेयर, लास्ट में आ सकता है, आस्क्ड फॉर, लुकिंग एट. ठीक है, ये अभी क्या दिखा रहा है, पोजिशन, यानी प्रीपोजिशन आएगा कहाँ, पोजिशन और प्रीपोजिशन. अभी प्रीपोजिशन शुरुआत नहीं हुआ है, अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ लगा सकते हो. इसको ऊपर करूं, ये देखिए एग्जांपल हो गया पूरा. इट्स वेरी हॉट टुडे, बिल्कुल बेटा हॉट तो है, अब आगे हॉट होगा. एक बजे का टाइम है, तुम आराम से घर बैठ के पढ़ते रहो, है ना. 30 मार्च से इसी बैच में अनाउंस 10 शुरू हो जाएगा, एक खतरनाक बैच, अब तक का सबसे सुपर बैच. अब देखिए पोजीशन नंबर 4, मुझे बताओ कि ट्रांजिटिव इन टाइम समझ पाते हो, समझ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. तापिस भाई इसको हटा दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 4, इसको कर दीजिएगा 5,
ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, दो तरह की चीजें। अगर वर्ब इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहते हैं बाबू जो ऑब्जेक्ट लेता है, अगर जो ऑब्जेक्ट लेता है तो फिर वहां प्रीपोजिशन, जैसे आई लाइक यू, तो आई लाइक यू तो उसमें अगर बीच में प्रीपोजिशन आ जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, पसंद कैसे करेगा, आई लव यू, आई लव टू यू करेगा तो हो जाएगा, आई लव यू, यहां प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन जहां पे इनट्रांजिटिव होगा, इनट्रांजिटिव मतलब कॉम्प्लीमेंट टेकर, हाँ ही गोज टू रांची, देखो यहां पे इवेंट टू रांची, तो यहां पे इवेंट का सवाल हो गया इनट्रांजिटिव। आई टी मतलब क्या होता है, और टू होगा प्रीपोजिशन, रांची हो गया कॉम्प्लीमेंट, है ना, द बुक इज ऑन द टेबल हो गया कॉम्प्लीमेंट, ही लव्स यू हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर वर्ब इनट्रांजिटिव हो तो प्रीपोजिशन, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो तो प्रीपोजिशन, लिखा नो प्रीपोजिशन, उतार लो। अभी दिखा जा रहा है पोजिशन, और पीछे जितना पढ़ा है वो सब लिंक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़े, धीरे उठाऊ पर, बहुत बढ़िया। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव समझ में आपको आता है, पा चुका हूं। यहां पे जो वेंट की बात की जा रहा है, या वेंट आईटी मतलब इनट्रांजिटिव है, कि वेंट टू, टू हो गया प्रीपोजिशन, आती हो गया कॉम्प्लीमेंट, यहां ऑन हो गया प्रीपोजिशन, द टेबल हो गया कॉम्प्लीमेंट, लव्स हो गया टी मतलब ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ही लाइक्स टी, ट्रांजिटिव है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, नो प्रीपोजिशन। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव है, आईटी भी इनट्रांजिटिव है, टीवी इन टीवी, दिस टीवी नहीं, टीवी आईटीवी, ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव है। He loves you, he likes tea. No preposition. आप example है, चौथा example है। बताइए, तो position और preposition को दिक्कत तो यहाँ तक था। अब आपको हेडिंग बनाना है, uses of preposition. अब preposition का use हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है? Use कहाँ होता है, preposition का use कैसे होता है? तो पहला बार उठाया गया है on, above और over. On, above और over. समझना है, नहीं समझ आएगा बोर्ड लिखूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। देखिए पहले मैं इसको बोर्ड पर सुना दूं, तब समझ बेहतर सबको आएगा। तीन वर्ड लिया गया on, above और over. तीन वर्ड, ये तीनों का हिंदी एक होता है, पर या ऊपर। क्या होता है, पर या ऊपर, नीचे नहीं होगा, पर या ऊपर। अब ऊपर का लेवल क्या, समझिए जैसे टेबल है, ये टेबल देखो बना दिया हमने, इसके ऊपर कोई चीज रखूंगा तो जाहिर सी बात सट जाएगा, चिपकेगा। तो जब कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर हो, सटा हुआ हो, चिपका हुआ हो, तो उसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। बस समझा, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, सटा हुआ हो, चिपका हो, कुछ नहीं चिपका हो, किताब कहां चिपका, टेबल कहां चिपका, सटा हुआ, सटा पर हो, उसमें क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है, या किसी मुद्दे पर बात करते हैं, जैसे पर, तो पर जब बात आ जाएगा तो ऑन दिस मैटर, तो किसी मैटर पर, किसी मुद्दे पर, तो जहां भी पर आ जाएगा, और पर का मतलब चिपका हुआ, जैसे बात चिपका हुआ हम लोग हैं, तो कुछ नहीं, तो टेबल खोजो प्रयोग करने के लिए। टेबल एक सांकेतिक चीज है, जिस चीज से सटा हो, चिपका हो, कोई मुद्दा हो, किसी विषय पर चिपका हो, किसी विषय पर सटा हुआ हो, अब विषय कहीं दिख तो नहीं रहा, लेकिन हम लोग चाइना पर बात कर रहे हैं, यूक्रेन पर बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे से क्या है, चिपके हुए, कुछ और दिमाग नहीं चल रहा, किसी मुद्दे को सोच रहे हो आप, कोई बात डिस्कस कर रहे हो आप, तो किसी चीज पर अगर चिपक गए हो, सट गए हो, किसी पर सवार हो, तो क्या करोगे। दूसरा पॉइंट, जब किसी वस्तु पर, वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो लेकिन सटा हुआ ना हो, ऊपर है चिपका हुआ नहीं, सटा हुआ नहीं, ऐसे फैन देखो, संजना को फैन चल रहा है, क्या तुम्हारे सर को ऊपर घूम रहा है ऐसे, हैं कि हवा में है, लेकिन तुम बोलोगे ना कि मेरे ऊपर फैन है, तो ऑन बोलोगे या अब बोलोगे, लेकिन जब ऊपर भी हो और सटा भी, तो क्या प्रयोग करते हैं, क्या पति अब ऊपर कहाँ लगाएंगे सर, तो देखो इस वस्तु के ऊपर वस्तु हो, ये वस्तु के ऊपर है लेकिन कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो, कम से कम कहोगे सर पूरा घेर देंगे तो घेर दो, चालू कर दो जैसे छत, अब बोलो इस कमरे में तुम घिरे हो कि नहीं घिरे हो, किसे घिरे हो, छत दीवारों से, दीवार तो उसका सहारा है क्योंकि छत हवा में नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर छत है कि नहीं है, तुम्हारे ऊपर फैन भी है लेकिन फैन में क्या लगाया, अब छत के लिए क्या लगाओगे, ऊपर, क्योंकि चारों दिशाओं में क्या कर लिया, घिर लिया। तो जब आप किसी मुसीबत में चारों तरफ से घिर गए, आसपास का मामला हो, घिरावट का मामला हो, कम से कम दो दिशाओं से, तो बोलो पुल ओवर ब्रिज बोलते ही बोलते हो, ओवर ब्रिज क्यों बोलते हो, क्योंकि रोड को दो दिशाओं से घेर लेता है, क्योंकि पुल हवा में नहीं हो सकता, इससे दो साइड से क्या होता है, घिरता है, तो कम से कम दो दिशाओं घिरना चाहिए, तो क्या लगाएंगे हम, बात समझ आया। तो अब आप फोटो यहाँ बनाइए जो बना हुआ है, ऑन अबव ओवर, ये तीनों का हिंदी पर ऊपर, अबव ओवर का मतलब सिर्फ, ये तीनों का मतलब पर या, तो ऑन कहाँ लगाएंगे, जब किसी वस्तु के ऊपर वस्तु हो, सटा हुआ हो, चिपका हुआ हो, तो क्या लगाएंगे, बस मत ये फोटो हिंदी में जो तुम्हारे मन में आता लिख लो, जितना तुमको समझ में आता है हिंदी वो लिख लो, मैं बोला हूँ, अब वहाँ लिखा सिर्फ सटा हुआ, तुम कुछ और भी जोड़ना चाहते हो, है ना, कुछ लोग ऊपर हो, सटा हुआ हो, चिपका ना चिपका हुआ हो, यहाँ पे तो कितना ऑन का प्रयोग, बस बहुत अच्छा कर रही है तुम अनिता, बहुत अच्छा लिखो, हाँ हाँ ठीक ठीक करो, अच्छा कर दो तुम, सीख रही हो कुछ कुछ, हाँ थोड़ा थोड़ा सीखो, सिखा दूंगा तुमको, तो बिल्कुल तेरी बात उछलना शुरू करोगी।
कहते ठीक है कि नहीं, तो बहुत कमजोर कमजोर ये घिरा घिरावट नहीं, चारों तरफ से घिरावट कर लो, कम से कम दो जगह तो कर लो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो ना, कम से कम दो दिशाओं से घिरा। लिखिए बनाइए आराम से, एक बच्चा आराम से लिखाइए। क्या करिए, अगले बैच से ठीक करवा दूंगा ना, यहाँ पे क्या है कि ये सब एग्जांपल में हटवा दूंगा, यहाँ पे ऑन लगा है हटवा दूंगा, सटा हो चाहे अब लंबा लगा गया, मान लो लंबाई जिसकी ज्यादा हो, अब छत चिपक रहा है तो वहां तो वही आएगा, थोड़ा जाएगा, अरे सर पे थोड़ा रखा हुआ है, समझा? तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन है, इसे बस घिरा होना चाहिए, ध्यान रखो घिरा होना कहीं होगा। तो सारे एग्जांपल देखिए क्या है, क्या लिखा, द बुक इज ऑन द ऑन हिज, सही है, यहाँ पे ऑन हटवा दूंगा अगले बैच में, अब समय लगा हुआ है तो तुम लोग दिमाग लगा दो, इसमें है नहीं, द बुक इज देयर इज अ कैप ऑन हिज, देयर इज अ बुक ऑन द कुल बात कैरिंग बैग ऑन हिज, द फैन इज अब आएगा ना, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रूफ इज ओवर योर, देयर इज अ मिरर अबव द, तो सारे एग्जांपल सही हैं। अगले बैच से पता क्या करवाऊंगा, क्या हाँ नहीं फिर पोस्ट हटा दूंगा, हाँ नहीं डॉट कर दूंगा, फिर बैंक कर दूंगा, वही बोलने गया था वहाँ, अभी सब आंसर सही रहेगा, दिमाग जो पड़ता बोलो पकड़ना आया, बहुत सुंदर। तो सारे एग्जांपल क्या है, राइट हैं, तो यहाँ तक मामला सुधर गया है, काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है बैच, सुंदर तरीके से सारे बच्चे काफ़ी खूबसूरत हैं। There is a mirror above the wash basin. ऊपर हो सटा बना हो तो प्रयोग करेंगे अबव का। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, टाइप भी यहाँ सिर्फ ऑन की बात हो रही है, अब कि नहीं ये कट जाएगा, सिर्फ ऑन की चर्चा हो रही है, सिर्फ ऑन की बात हो रही है, तो हेडिंग बनेगा सिर्फ ऑन, इतना बड़ा हेडिंग, सिर्फ ऑन लिखिए, ये सब हट जाएगा, हेडिंग क्या बनाएंगे, सिर्फ ऑन की चर्चा हो रही है, अभी तीनों की बात हो रही थी ना, अब एक की बात की बात ऑन की, अब एक की बात होगी, तो ऑन के क्या कहा कि ऑन इज यूज्ड, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिफोर डे एंड डे और डेट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑन, क्योंकि डेट है ना, शी ऑफन विजिट्स मी ऑन संडे, शी हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑन ऑन क्रिसमस डे, ऑन योर बर्थडे बोलते हैं ना, बर्थडे पर क्रिसमस पर सब के लिए ऑन, डे एंड डेट आ गया ना, समय हो जाएगा, हाँ तो क्रिसमस डे बैन ऑन क्रिसमस डे, ऑन योर बर्थडे, होली पर मिलूंगा, आई मीट ऑन होली, या एक्ट भी पर त्यौहार भी एक्ट भी लगाते हैं, तो बताऊंगा क्या क्या आएगा सर, अभी जो लिखा उसको उतार लो, सारी बेसिक चल रहा है, एडवांस भी चलेगा, हर चीज़ सिखाने के मूड में है, एक एक पार्ट, पहले पूरा ऑन सिखा दिया, चिपका हो ऊपर हो सटा हो लिख दिया, ऑन का एक्सप्लेन करके यहाँ से कि ऑन कहाँ कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा, डे और डेट के साथ ऑन आएगा, ऊपर तो हो रहा है, सो ही रहा है, एग्जाम्पल लिख रहे हो ना, बहुत सुंदर, ऊपर करूँ थोड़ा सा, बहुत सुंदर, अभी दो मिनट में लिखना शुरू हो जाएगा सर, कल से सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, जो कहता है सरफेस के लिए, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द पेज, यहाँ पे लोग कर देते हैं, पता है क्या, इन इन द वॉल, दीवार में, क्योंकि हिंदी बोलते दीवार में, क्वेश्चन इसने पूछ दिया एक बार, ही इज हैंगिंग द पिक्चर इन द वॉल, ऑन द वॉल, तो सरफेस के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द पेज, कुछ एग्जांपल दिया, ऑन द रेडियो, ऑन द जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन द फोन, ऑन फुट, ऑन फर्स्ट फ्लोर, ऑन सेकंड फ्लोर,
सरफेस के लिए अमाउंट का प्रयोग करते हैं, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द कार्पेट, ऑन अ पेज, हाँ ऑन अ पेज चलेगा, सम कॉमन हो जाए, ऑन द रेडियो, ऑन द जर्नी, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ऑन द फोन, ऑन फुट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तीसरा ऑन इज यूज विद क्लियर थॉट, किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करते समय भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। है ना, क्लियर थॉट। किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति क्लियर थॉट, यानी कोई स्थिति क्लियर करनी हो, किसी वस्तु का जैसे सीरियलाइजेशन ऑफ बुक ऑन सोशल मीडिया, किस पर लिखा भाई, तो स्थिति क्लियर है ना, ऑन लगा दिया। नेचुरल डिजास्टर क्लियर है, ऑन लगा दिया। जिस पे आपकी सोच, आपका व्यवहार, स्थिति क्लियर है, किसी पर काम करना है, ऑन का प्रयोग कर दो, क्लियर हो गया। ऑन इज यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ टच या कांटेक्ट, यानी टच या कांटेक्ट की स्थिति बन रही हो, ये तो भाई चुका हूं, तो ऑन का प्रयोग करना है। देयर इज नो हेयर ऑन द हेड, देयर इज अ बुक ऑन द चेयर, उसके सर पर कोई बाल नहीं है, टच करके देख लो चिकना लगेगा, क्लियर है, बिल्कुल टच और कांटेक्ट में नहीं है, तो ऑन का प्रयोग करो। तो पहले हमने क्या किया, तीनों को बताया, तुलना करके अब एक एक बता रहा हूं, पहले ऑन का बताया, बताऊंगा अब आपका क्या प्रयोग कहां करते हैं। बहुत ही तेजी के साथ सीख रहे हैं हम लोग, काफी प्रोग्रेसिव बैच। क्या आगे बढ़े, हो गया टच की स्थिति में या फिर कॉन्टैक्ट के स्थिति में, ऊपर कर दूं, हो चुका था बहुत। अगला देखिए भाई, अब का प्रयोग कहां करते हैं भाई, एक एक बार हम अब का प्रयोग से ऊपर या ठीक ऊपर, मतलब हायर देन, ज्यादा चाहो तथा संख्या में ज्यादा या अधिक, मोर देन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में हम अब का प्रयोग करते हैं, जब कोई संख्या में ज्यादा हो, जैसे हिज इनकम इज अबव 30,000 अ मंथ, 30,000 अ मंथ, यहां टाइप कीजिए अ मंथ मतलब प्रति महीने, तो हिज इनकम इज अबव, तो क्या है जी, ठीक ऊपर है, ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, तो 30,000 से ऊपर सैलरी पता है। देयर इज अबव 100 स्टूडेंट, यानी 100 से Just bent in the class. The aeroplane is flying above the cloud. बादलों के ठीक। Now my head is above water. मेरा सर पानी से ठीक ऊपर है। यहाँ पे ऑन पानी सकता। उतार लीजिए इसको। क्या पे हो रहा है अबव का? ये सब आपको धीरे दिमाग रखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन दिमाग रखना पड़ता बनता है। प्रीपोजिशन नए अंदाज में पढ़ाओ। बिल्कुल बेसिक एडवांस। इसमें हम लोग का 3-4 क्लास लगेगा। His income is above 30,000 a month. There are above 100 students in the class. The aeroplane is flying above the cloud. Now my head is above water. Huh? कहाँ एरोप्लेन उड़ा है, हेड के ऊपर कहाँ एरोप्लेन उड़ता है? देखो तुमने पढ़ा होगा क्लासिक सेवन में कि जब रनिंग अवस्था है तो ऊपर का प्रयोग करते हैं, है ना, क्योंकि कोई मोशन होता है तो ऊपर लगाते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बादलों के ऊपर बोल रहा है इसलिए अब आएगा। ओवर द क्लाउड भी कर सकते, घिरा रहता है वो, ऊपर लेता है, ओवर लगा सकते हो, उड़ने के केस में तुम ओवर लगा सकते हो। क्या है, किस चीज का टेस्ट मिला तुम लोगों को, बन गया था, आंसर नहीं है, करवा दूंगा, बाकी अग्रीमेंट इतना पढ़ाया हलवा कर दो टेस्ट करती टेस्ट का। अब टेस्ट इतना डिटेल से पढ़ा, टेस्ट में टेंशन नहीं, ऊपर करूँ थोड़ा सा। देखिए अब अगला हेडिंग क्या है जी, ओवर, अगला हेडिंग है ओवर। ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, तो ओवर का प्रयोग करते हैं बहुत ऊपर, कोई क्या हो, बहुत ऊपर हो या फिर एज में ऊपर हो, टेम्परेचर के मेजरमेंट में, किसी प्लेस के आसपास में, किसी वस्तु को ढकने के लिए, के ऊपर के सेंस में, समूचा के सेंस में, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ। अब जितना वर्ड लिखा है सबका एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे यहाँ पे वर्ड में लिखा हूँ पहले कि ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कुछ बहुत ऊपर हो, राइट, इस ओवर आ गया हूँ, एज उम्र बताना हो, ओवर 30,
अब नहीं होगा वहां तो आगे बढ़ेगा ना वो टेंपरेचर का मेजरमेंट ओवर 35 डिग्री सेल्सियस किसी प्लेस के आसपास ओवर हियर मतलब यहां आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए बेड भी चाहते हो ओवर द टेबल के ऊपर बोलना हो तो ओवर लगा दो समूचा बोलना हो तो ओवर लगा दो पीरियड ऑफ टाइम का समाप्त हो गया ओवर क्लास नीट ओवर द क्लास क्लास समाप्त होने के बाद ठीक है ना ये कांसेप्ट लिख डालो ओवर ओवर का प्रयोग बहुत ऊपर एज टेम्परेचर के मेजरमेंट किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए के ऊपर समूचा था पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के बाद करते हैं बोलो बालक जैसे लिखा एग्जांपल ही इज ओवर 30 ही इज ओवर 30 के ऊपर का है द टेंपरेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस द कोल्ड इज ओवर हियर यहां आसपास में ठंडा है देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड उसके छाता से उड़े हुए हैं प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल द क्लास इज ओवर एट 6 पीएम द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द पॉन्ड नीचे करूं क्या ऊपर करूं मेरे यहां देखो द एरोप्लेन इज ओवर आवर हेड ऐसे एरोप्लेन फ्लाई करता है तो ओवर आवर हेड छत के सर के ऊपर एक एग्जांपल सारे बच्चों को दिया जा रहा है काफी खूबसूरत बैच हो गया अगला ओवर का प्रयोग क्या कर रहा है समझे गौर से कह रहा है कि ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायरमेंट मोर देन रिक्वायर्ड समझे पहले क्या लिखा है नंबर दो मोर देन रिक्वायर्ड जरूरत से ज्यादा जब आप जरूरत से ज्यादा बोलना हो तो लगा दो जैसे कोई खाना खाना था चार रोटी वो खा लिया 12 जैसे एक व्यक्ति था जानने वाला चूड़ा समझते हो चूड़ा पोहा जब बनाते हो तो गाँव में लोग पता क्या कहता है चूड़ा को ऐसे भी खा लेता है गुड़ के साथ है ना चूड़ा को गुड़ के साथ चबाता रहता है उसके साथ और बात करूँ आपको तो गुड़ के साथ वो खाता है दूध में फुलाकर खा लेता है और बात करूँ तो उसको दही के साथ खाता है तो 5 किलो चूड़ा का शर्त लगाया 500 रुपये में बोला 500 में 5 किलो चूड़ा खा लूंगा पहलवान था अब बोला ठीक खा जाओ तो बोला कि 2 किलो दूध ले आओ तो चूड़ा को सूखे सूखा खा सकता खा खाया गुड़ के साथ जितना खा सकता था उसके बाद दूध में पूरा डाल के फिर कर लिया अब जब चूड़ा अंदर फूलता है वो पूरा वो फूलना शुरू किया कि फूले पेट फूले वो फूले पेट फूले अब लोग उसे वोमिटिंग करा रहा हो नहीं रहा हाँ हो नहीं रहा पेट फूलता गया अंत पेट फट गया मर गया मर गया तो क्या किया ओवर ईटिंग कर लिया क्या कर लिया यानी ईटिंग ठीक है ओवर ईटिंग जरूरत थी नहीं खाने की क्या क्या मोर देन रिक्वायरमेंट जरूरत से तो मोर देन रिक्वायर्ड आवश्यकता से अधिक जैसे क्या क्या ओवर ईटिंग आवश्यकता से खा लिया ओवरवाइज मतलब पागल है कमेंट करते ओवरवाइज बन रहा है तू ओवर मतलब ओवर स्मार्ट है मतलब वहां बेवकूफ है ओवर क्राउड ओवर बिजी ओवर एक्सेस ओवर केयर ठीक है तो कोई चीज ज्यादा जरूर ज्यादा ओवर क्राउड इतना भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा है जाना मुश्किल ओवर क्राउड सस्पाइस बात को तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा ऑन अबव और ओवर इसका काम समाप्त हो गया ये हम लोगों ने बेसिक आज समाप्त कर लिया अब ऊपर निकल गया एक्चुअली उसको मरना ही था इसी बहाने एक मरना होता है ये जो होता है ना ओवर एक्स बोला चिंतित है परेशान है बोलो किसी दिक्कत है आपने सीखा क्या ऑन अबव और ओवर आज इतना ही पढ़ते हैं कल पढ़ेंगे बिलो अंडर और बीनीथ बहुत ही सुंदर